रिक्वेस्ट करूंगा, जबाज 21 सोल्जर के की अद्भुत कहानी 21 सरफरोज सारागढ़ी 1897 की पूरी कास्ट से कि प्लीज मंच पे आए मिस्टर मोहित रैना। मिस्टर राम सर, यस सर, कुछ कुछ लोचा आएगा, पैचवर्क रह गया है क्या? सॉरी सर, सॉरी सॉरी। अरे अभी मिल रही है, बहुत टाइम बाद यार। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच और आप सबको बहुत बहुत बधाई। आप एक बहुत आप ऐतिहासिक लम्हे का हिस्सा बन चुके हैं। इतने अच्छे प्रोमोज लग रहे हैं, इतना अच्छा टीजर लग रहा है, पोस्टर इतने अच्छे लग रहे हैं, तो फिर रात का आलम क्या होगा। अच्छा, इतनी देर से बातचीत हो रही है कि है मुमकिन, है मुमकिन, है मुमकिन। आप लोग भी सोच रहे होंगे सुन सुन के थोड़ा, क्या मुमकिन है? तो हम एक बार चेक कर लेते हैं ना कि मुमकिन है कि नहीं। हम एक काम करते हैं, जैसे हमारे साथ क्रांति प्रकाश जी हैं, हमारे साथ राम कपूर साहब हैं, क्रांति जो हैं वो ऐतिहासिक किरदार कर रहे हैं स्वामी रामदेव जी का, और राम सर ऑन स्क्रीन रोमांस के लिए जाने जाते हैं इस शो से पहले तक। तो क्यों ना हम ऐसा करें कि क्रांति से कोई चैलेंज आपको दिलवाएं? क्यों, एक दूसरे को चैलेंज दिलवाते हैं और देखते हैं वो मुमकिन है कि नहीं। सो क्रांति, आप क्या चैलेंज देंगे? मतलब पता नहीं राम सर कितना कुछ, मतलब ये बड़ा ही विचित्र सा ये प्रश्न है कि मैं इनसे क्या करवा सकता हूँ, पर शुरुआत प्रारंभ करना चाहूंगा। अच्छा, कपाल भाती अनुलोम विलोम से। इसकी तो मुझे ना इसकी स्पेलिंग आती है, ना इसकी प्रोनंसिएशन आती है, ना इसको करना आता है, तो मुझे आप बख्श दीजिए सर, मुझे आप बख्श दीजिए, आप किसी और को पूछिए। आप किसी और को भी चैलेंज दे सकते हैं, सब लोग यहाँ बैठे हैं, कोई भी जो करना चाहे क्यों नहीं। आप भी थोड़े से बाबा ही हो गए हैं दाढ़ी बढ़ा के। नहीं नहीं भाई, सरदार की दाढ़ी है, बाबा की नहीं है। आप किसी को चैलेंज देना चाहेंगे? अनमोल पास में है, बगल के लड़के को हलाल किया जाए। आप करके बताइए, मैं फॉलो। हाँ जी, आप करके देखिए, यहाँ 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 आके प्रॉपर थोड़ा। हाँ हाँ हाँ, हम जींस में पहली बार बाबा को देख रहे हैं। मुझे तो ये भी नहीं करना आता धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। क्रांति प्रकाश बाबा के किरदार में इतना घुस गए हैं कि हरदम योगा करने लगते हैं। ये मैंने अच्छा मेरे गबरू शो में भी मुझसे ये सब करवाया इन्होंने ऐसा। हाँ, गबरू में भी लो विलोम। अच्छा सब हुआ वहाँ। अच्छा, हम लोग बात कर रहे थे कि हम ऐसी कहानियां दिखाएंगे जिससे आप सिर्फ एंटरटेन ना हो, प्रभावित भी हो। तो योगा देख के राम कपूर साहब अचानक प्रभावित हुए हैं और वो भी एक योगा करने वाले हैं। मेरे पीछे क्यों पड़ा है? आप लोग सब सूर्य नमस्कार देखना चाहेंगे मेरे से? देखना चाहेंगे सूर्य नमस्कार? नमस्ते कर दे। बोलो ना हाँ कि ना। बाहर जाइए, वहां सूर्य दिखेगा और यह नमस्कार। थैंक यू सर, थैंक यू सर। अच्छा अनमोल, आप किसी को क्या चैलेंज देना चाहेंगे? सर मुझे दिखे यहाँ से राजेश शर्मा जी, बैठे आप उस तरह बैठे, आप थोड़ा यार मैं क्यों तुरे को मैं ही दिखा, इतने सारे लोग हैं। सिंपल सही है, मुमकिन है क्या? क्या मुमकिन है? मुमकिन है सर। अब मुमकिन तो हो सकता है यार, ऐसा दुनिया में ऐसा कुछ नहीं है कि जो मुमकिन ना हो। तो ट्राई करते हैं सर। मैंने हमारा शो रैप पे बेस्ड है। हाँ, मैं रैपर प्ले कर रहा हूँ, चैतन्य हरलीन रैपर्स प्ले कर रहे हैं। हाँ, तो बहुत सारे रैप सॉन्ग्स हैं। हाँ, तो एक रैप सॉन्ग, रैप सॉन्ग तो नहीं पता, पर रैप कुछ ऐसा कुछ बचपन में किया था, वो किसी फिल्म में अमिताभ बच्चन जी ने भी उसको करते, लेकिन हमने अमिताभ बच्चन जी से नहीं सीखा, हमने बचपन में मोहल्ले में ऐसा करते थे कि वो क्या आप खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियां, खिड़कियों से खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। वेरी नाइस सर, वेरी नाइस, क्या बात है, यही। थैंक यू सर। अच्छा नहीं नहीं, इसमें करने का कुछ नहीं है, बस वही है राजेश। नहीं नहीं राजेश सर, राजेश सर नहीं, इसमें खड़क सिंह भी नहीं है, खिड़कियां भी नहीं है, तो वही है कि राजेश सर, राजेश सर कुछ नहीं करना होता है, इसके साथ बास्केटबॉल खेल लीजिए, रैप हो जाएगा। बस वही नहीं होता सर, उसके लिए मत है मुमकिन, उसके लिए मत है मुमकिन, है मुमकिन है, लेकिन बड़ा हास्यास्पद मुमकिन हो जाएगा वो, तो वो ना हो। चलो तो हम मुकुल सर से करवाते हैं। मुकुल सर, आप एक बार रैप ट्राई करेंगे, क्योंकि आप बड़ा सीरियस किरदार कर रहे हैं, तो जो फन वाला पार्ट है वो तो दिखना चाहिए। तो आप बताएंगे, आपके बालों के साथ अच्छा भी लगेगा थोड़ा सब। या क्या कुछ मुझे बताइए रैप करने का। मैंने सुना होगा रैप सॉन्ग, कोई भी पॉपुलर, कोई भी रैप सॉन्ग।
यार मुझे रैप आता नहीं कोई, सीरियसली सही बताऊं मैं आपको। तो हम गाते हैं और आप रैप कीजिए। हाँ हम लोग आ रहे हैं, आप आइए। हम लोग कुछ भी गाते हैं। क्या गाएंगे आप? हाँ, यो 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 चिक चिक ओ चिक चिक ओ चिक चिक ओ स्वामी रामदेव की बायोग्राफी यो, स्वामी रामदेव की बायोग्राफी यो, पाजी यो। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अच्छा मोहित रैना जी हमारे साथ हैं। मोहित रैना सर, मोहित जी आप ऐसे गंभीर से मत दिखिए, आप सिर्फ शो में गंभीर लगें। महादेव की कसम बहुत अच्छे लग रहे हैं। और महादेव की ऐसी कृपा है इन पे, जो बनते हैं ये वो लगते हैं। हम लोगों ने भी ट्राई किया है, दो सीन के बाद हंसी आ जाती है। तो मोहित सर आपने कितना ज़बरदस्त डायलॉग बोला, वो प्रोमो हमने देखा है कि ये मिट्टी है वाला जो डायलॉग था। एक बार मैं चाहूँगा पहले आप बोलें, और आप मैं चाहूँगा वो आप चैलेंज दें किसी से, किसी और से बुलवा के देखते हैं। मैं तो कहता हूँ यहीं पड़ोस में, पड़ोसन इनसे बुलवा के देखें। कौन सा डरो? ये मिट्टी है, और बाकी पैसे आपको मिले होंगे तो याद होगा ना। गुड वन। सो यू वांट पहले मैं बोलूं, फिर पहले आप बोलें और सनी रिपीट करें। सो इट्स वेरी सिंपल, बेसिकली यू जस्ट हैव टू से रिपीट लाइंस आफ्टर मी। सो इट्स वेरी सिंपल, इट्स अबाउट अ सोल्जर टॉकिंग अबाउट हिज मदरलैंड। So it's like, this is my land and I'm gonna, you know, do everything for my land. I'll die, I'll do everything. The only thing is that I just spoken it in Punjabi. That, so I mean, yo, tick tock. Yeah, I mean, she'll obviously, she can do that. So it's like, eh mitti saadi mitti hai. Eh mitti saadi mitti hai. Eh zameen saadi zameen hai. Eh zameen saadi zameen hai. Dushman ko ye maloom hona chahiye. Are kya? दुश्मन को ये मालूम होना चाहिए। दुश्मन को ये मालूम होना चाहिए। दुश्मनों को मालूम होना चाहिए। नहीं ये नहीं था। दुश्मन को ये मालूम होना चाहिए। दुश्मनों को ये मालूम होना चाहिए। मालूम होना चाहिए। दुश्मन चाहे हाथी पे आए या घोड़ों पे। दुश्मन चाहे हाथी पे आए या घोड़ों पे। हाथी पे आए या घोड़ों पे। घोड़ों में पे, 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 घोड़ों पे। दुश्मन चाहे गोलियां चलाए या तोपे। दुश्मन चाहे गोलियां चलाए या तोपे। गोलियां चलाए या तोपे। तोपे। ओह वेरी नाइस, वेरी नाइस। क्या बात है? Fantastic. भाई एक बार सच में जोरदार तालियां सनी के लिए। अगर सनी लियोन पंजाबी में डायलॉग बोल सकती हैं तो कुछ भी मुमकिन है। एक बार सच में जोरदार तालियां इनके लिए। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा समीर सर और करण सर हमें ज्वाइन करें, और मीडिया के बंधुओं से आग्रह है कि अपने सवाल आप चला के मारें। अब समीर सर एंड करण सर प्लीज दो और चेयर्स लगा दें आप। क्वेश्चंस एनीवन? क्वेश्चंस गाइस। मोहित आपके लेफ्ट में, मेरा सवाल आपसे ये है कि ऑलरेडी इस सब्जेक्ट पे फिल्में बन रही हैं, अक्षय कुमार ने अपना लुक भी आउट किया है, तो आप इसको किस तरह से देखते हैं? एक कंपटीशन नज़र आ रहा है, और क्या रीज़न रहा आपको इस शो को हाँ कहने के लिए? See, there are a lot of people who are making different things on this subject, but obviously, I don't want to sound mean, but हम लोग पहले आ रहे हैं तो नॉवल्टी तो चलेगी भैया। And secondly, I had a lot of reasons to be a part of this series because I wanted to play a soldier. I wanted to have the uniform with me. Main bachpan se hi bada fascinated tha uniform se. In fact, main NDA mein jana bhi chahta tha, but main ja nahi paya tha. So when this show was approached and narrated to me, I was thrilled and excited to be part of this this subject, because ye kahani ek aise insaan ki hai jisne अपने एक लीडर की है जिसने अपने लोगों के साथ मिलकर एक ऐसे काम को अंजाम दिया जो नामुमकिन था, बट उसने अपनी स्ट्रेंथ के साथ उसे मुमकिन बनाया। सो दैट आई हैड वेरियस रीजंस टू बी पार्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट। बट कंपैरिजंस होंगे उसके लिए आप तैयार हैं? कंपैरिजंस होंगे, जाहिर सी बात है, अक्षय कुमार से एंड और भी दो फिल्में ऑलरेडी प्लान। सी कंपैरिजंस तो बिल्कुल भी नहीं होंगे, बिकॉज देखिए सबका अलग अलग विजन है। दोज फिल्म्स आर गोना बी देयर फॉर एटलीस्ट लाइक टू आवर्स मूवीज, यू नो, दो घंटे में ढाई घंटे में खत्म हो जाएंगी। दैट्स देयर विजन। आर विजन इज वेरी डिफरेंट। आर विजन इज गोना लास्ट फॉर अराउंड 65 एपिसोड्स। दैट्स अ ह्यूज नंबर ऑफ एपिसोड्स। सो द स्टोरी टेलिंग इज गोना बी, द नैरेटिव इज गोना बी वेरी डिफरेंट। द
the broader story is going to be the same, but the narrative and everybody who takes it differently is going to be is completely different than that. So I don't think there will be any comparisons. Agar honge bhi to, maine jaise kaha, novelty to gayi. Sameer, congratulations to congratulations aapko. congratulations. Jeet naam kaise suja? Aap us par kuch batayenge actually. Jaise Jeet mein hi definitely it's a winner title actually. Yeah. I think the credit goes to Karan and I think I'd like him to answer that. I think our thesis. It's on. Thesis was very clear, yaar, ki this is about underdog winning. That was how we started this whole journey. Ki the sentiment that we were trying to tap into is ki ye mujhe kuch karna hai, mujhe kuch banna hai. So victory was the sentiment, so Jeet was the answer. You know. And Sunny, would one of the easier decisions. Sunny, aap apne show ke baare mein kuch batayenge. How was your experience actually? It's about men versus wild, but now she's a lady. Wo uske liye bhi kyu actually? The well, men versus wild tha. Sure, it's man versus wild, which is Bear Grylls. And the greatest thing about shooting this is I could just be myself and have fun, masti mazak pura din. Also do a lot of work, but I think that was the thing for me was he's so serious and I just got to be myself and not take life so seriously and have fun with, you know, the episodes that he shot. Is this the first time you're attempting full-on comedy on television? And how has the experience been like? Yes, this is the first time I'm attempting comedy on television. In terms of how the experience has been like, I'm starting the first day of shoot tomorrow, actually. So I cannot answer that question. That's the reason you didn't see a promo of our show. You saw lovely promos of all their lovely shows. We are starting our first show, our first episode tomorrow. I've always found comedy very challenging. I've always believed it's the hardest thing to do. And I've always wanted to do it because I like challenging myself. I always like challenging myself. But I wanted to do it in the correct hands, especially when it came to television. I even tried comedy with this beautiful lady right here, but it didn't really work. But there is something in me that keeps wanting to challenge myself vis-a-vis comedy. And this just seemed right. I've grown up watching Discovery. I'm the biggest fan of Discovery Channel, even before they came in this Jeet avatar. And then I've worked with the producers before. I have a long-standing relationship with Saul. I knew I was in good hands, and I just wanted to do this with Discovery. So it's just worked out at the right time. But if you ask me a few weeks later, I'll tell you how the experience was once I start shooting. Do you anticipate Hello? It will be different? Will you have to break out of this lover boy image that you have for small screen viewers? Yes, of course, I will have to. I have to break out of my comfort zone. But I love doing that. I really do love doing that. It makes life interesting. It makes going to shoot early in the morning fun because, you know, you're going to take risks and you're not going to know what's going to happen. So, yes, it's out of my comfort zone and it is challenging. But I know I'm in the right hands, like I said. The writing, the material I'm working with is very good. The actors that I'm working with are very good. The channel, the production house, I really feel safe. And it's very important to feel safe to be able to let go. If you trust everybody around you, it's very easy to come out of your comfort zone. And like I said, for the first time, I mean, I've been doing television 18 years now, but for the first time vis-a-vis comedy, I'm feeling really safe. So I am going to let myself go. Let's hope it works. Hello. I just add Mr. one Bajaj. Thing. Sorry. Main pehle inka phir apna question answer karta hun ki hum log jab comedy show conceptualize kar rahe the, to the one question which we were asking is ki if it's on Jeet, can we have comedy in which you're not having men in drag or making fun of homosexuals and everything that has become a shorthand for comedy on TV?
And when we were thinking of an anchor, I think Monisha and Sameer were saying we need someone with presence, like comedic presence, yet dignity. And I think Ram's name always came, you know, for thank for you, that person. Thank you. Hello. And hello? We will be planning a Loverboy track in the comedy show. Sameer ji, जहाँ तक डिस्कवरी की बात है, मैं डिस्कवरी को बहुत प्यार, बहुत मोहब्बत करता हूँ, बहुत लोग करते हैं, क्योंकि डिस्कवरी इस चीज़ के लिए बना है कि बड़ी गहराई से हर चीज़ों को जंगल स्टोरीज और पूरी डिस्कवर कर करके चीज़ों को दिखाया, लोगों में एक चीज़ पैदा की। लेकिन आज के ज़माने में जब इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग की रिपोर्ट के मुताबिक 800 से ज़्यादा चैनल चल रहे हैं और धड़ाधड़ एंटरटेनमेंट चैनल आ रहे हैं और धड़ाधड़ पिट रहे हैं, ऐसे में प्लीज़ डोंट टेक इट एज अदरवाइज, ऐसे में डिस्कवरी कितना बड़ा चैलेंज लेकर चली है, कितना बड़ा उसके सामने चैलेंज है, प्लीज़ से समथिंग अबाउट दिस। आई थिंक आई विल आंसर। आई थिंक इफ यू स्टार्ट विद 800 वेटिव थिंकिंग राइट, फिर उसके अंदर फिर तुम सोचोगे कि वो क्या कर रहे हैं, हम लोग ऐसे कैसे बेटर कर सकते हैं, वो शो को कैसे कर सकते हैं। सो द राइट वे टू आंसर इज कि इज देर अ बर्निंग पेन इन द कंज्यूमर दैट यू कैन मीट विद योर कॉन्टेंट। So I think if I go back to that, I feel very safe, like very secure ki when we did our research, like Sameer did the research, it was very clear ki there is a idea ki mujhe kuch banna hai, mujhe kuch karna hai. And if in some form or the other we can light that fire of inspiration, it will do very well. And if we are not able to light that fire of inspiration, then 800 channel ya 1200 ya 50 channel bhi ho, tabhi bhi feel ho sakta hai. So there's no, I'm completely unworried about that, I guess. From my So, जीत का जो टाइटल है सनी पाजी की, जीत को देख के तो नहीं आया कि इसमें एक सनी होनी चाहिए? सनी, दैट वाज अ पर्सनल कॉल। नो आई थिंक सनी देओल की एक मूवी थी जीत, सो दे आर सेइंग कि सनी देओल की मूवी जीत थी तो इसलिए आपने सनी लियोनी को तो नहीं लिया। मेरे पास 2.5 किलो का हाथ भी है। दैट्स बेटर। रियलिटी शो के बिना किसी चैनल को चलाना मुमकिन है क्या आपको लगता है? हाँ, मतलब रियलिटी शो आई थिंक I would say school of comedy, jo high school comedy high school with Mr. Ram Kapoor, I think it's a reality show. But hamara the bar is high. I think the bar is ki, again, we keep going back to, is this going to add noise to TV? Yeah, will it cause any kind of, will entertain and yet have a spirit of transformation? If we can meet that bar, then yes, definitely we will do reality shows. But will we do one more talent show which has no thesis, no purpose to it? I don't think that belongs on Jeet, you know. There are plenty of other networks for that, so there's no need for us to do it. Hi. So I want to know what kept you away from the industry for so many years? I've been pretty much working. Did a couple of films down south, then Punjabi. I've done a fair amount of Hindi films as well all this while. But television I had attempted after a long time. It's about 9 or 10 years. The last was when I hosted Fear Factor. When it came for the first time in India on Sony television. So, yeah, I was pretty much here. I don't know why people keep saying what kept me away. Thank you so much. Right. And my question is for Mohit as well. Here. After Mahadev, Ashoka, now you're playing a soldier. So what made you to choose this project? Why soldier? Well, if you see my graph was very clear and very simple. Trishul ke baad talwar, talwar ke baad banduk. So, yeah. Good one. So I had a lot of reasons to take up the show. I love the concept. I love the underdog feel. I love the Hai Mumkin Wala tagline. And the makers, Contador Pictures, Abhimanyu Singh, they were, and the channel were having a very different vision of this show. And we have completely achieved that. So I'm very fortunate and glad to be part of this series. Thank you so much. I am representing Gabru here. आप लोगों ने ट्रेलर देखा Gabru, यो वो हमारी Gabru टीम है जहाँ से आवाज़ आ रही है. So I am playing a young boy called Gaurav, जो एक rap star बनता है. So इसमें I think slight difference जो मुझे लगता है in Gabru
from maybe the other shows is that it is not particularly just one person's Hai Mumkin story, but three people actually. So there is Gaurav that I'm playing, there is Bani that Harleen is playing, and there is Sarfaraz that Chaitanya is playing, and all of them want to be, they are all musicians, talented musicians, but all of them have different approaches to how they see their music, and all the three of them also have different approaches to how they deal with success. Jo mujhe lagta hai ki Gabru ka basic mudda hai ki successful ho jana ek cheez hai aur successful rehna alag cheez hai. To success ka ek part successful rehna bhi hai, which I think is one of the major themes at least jo hamare show mein explore ki gayi hai. And then obviously there is lovely music, Earl Edgar, our music guy, the rock star. Some of the best rap songs I have heard ever. And in Punjabi, in the Bombaiya language, because Sarfaraz is from Bombay, he's that Bhasha rapper. And Bani is a character that comes from UK and is a rapper. So that kind of sound he's created, all three of them, himself. And all of them sound very genuine, very original, and very catchy. Hopefully, bahut jaldi aap log wo gaane sunenge. And Anand is our director, also our producer. Amrit is here. It's a great team. I've had a lot of fun playing this crazy character. Gaurav turns from a good boy to not much of a good boy once he sees success. So when you're not playing a good boy also, there's a lot of fun you get to do on screen that you maybe don't get to do in real life. So yeah, it's been a great journey. And that's Gabru for you. Gabru! We know Ramdev Baba for his yoga postures, and yep. I'm sure you've been preparing for the same, but how much of the same would we see you doing all those difficult postures on TV, and did you manage to do that? Ma'am, sabse pehle to main Discovery Jeet aur Karan sir ka, Samir sir ka bahut dhanyawad dena chahunga. Sadhuwad dena chahunga, kyunki television jis tarah se Bharatiya paripeksh mein agar aap dekhein, तो टेलीविज़न की जो अभी कहानी है वो कहानी को एक नई दिशा देना, इसके लिए यही लाइन वहाँ पे है मुमकिन. और स्वामी जी जैसा कि कहते हैं कि विकल्प रहित संघर्ष और अखंड प्रचंड पुरुषार्थ, तो जैसा कि शुरू हुआ था एक लाइन से, तो वो अगर आप मुझसे एक लाइन पूछें हमारे शो का, स्वामी रामदेव एक संघर्ष, तो विकल्प रहित संघर्ष अखंड प्रचंड पुरुषार्थ, ये हमारा शो है. और रह गए आसन आसनास की बात, तो बेसिकली मैम वो आसन होता है, अंग्रेजी में उसको आसनास कह देते हैं हम लोग, और योगा भी नहीं होता उसको योग, तो लेकिन जब वहाँ से आता है वो तो योगा हो जाता है. तो इस तरह की बातें आपको शो में देखने को बहुत मिलेंगी. और दो तरह के आसन होते हैं, जो एक आप प्रदर्शन के लिए करते हैं दिखाने के लिए, जो स्वामी जी वो नॉली आपने देखा होगा वो सब, तो वो सब भी आपको देखने को मिलेगा. फिर उसके अलावा पद्मासन है, मयूरासन है, हर तरह के आसन जितनी भी हमारे निर्देशक हमारे लेखक जितना भी दिखाना चाहेंगे उनके ऊपर है. इसका अगर आप मुझसे पूछें इसका सटीक जो उत्तर है वो आपको वहाँ पे हमारे लेखक बैठे हुए वो दे सकते हैं कि क्या क्या दिखाने वाले हमारे माध्यम से हैं. अच्छा जी जी, मैं गया था वहाँ हरिद्वार पतंजलि, वहाँ पे स्वामी जी से मेरी भेंट हुई. तो उन्होंने मेरा एक तरह से मेरी परीक्षा ली उन्होंने, एक तो विचारों की परीक्षा और दूसरी कि भाई आसनों की परीक्षा आप कितना कर सकता है ये. तो विचारों की परीक्षा में तकरीबन मुझे शायद 7 अंक मिले होंगे 10 में से, और आसनों की परीक्षा में मुझे 9 अंक मिले. तो योग एक ऐसी चीज़ है जो आप मुझे समय जो चैनल ने दिया वो बमुश्किल मुझे लगता है कि शायद 2 हफ्ते का दिया होगा, शूटिंग शुरू होने से पहले और हमारे कंफर्म होने तक. तो आसन योग ऐसी चीज़ है जो आपको सालों साल लग जाते हैं. अगर स्वामी जी आज ये कर पाए हैं तो उनके सालों की तपस्या है उसके अंदर. तो जितना भी हमसे संभव होगा उसको पूरी तरह से चरितार्थ करने का प्रयास करेंगे, और बाकी तो फिर लेखक आपको बता सकते हैं. अभिषेक बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू. मैं आपका क्या समझ नहीं पाया सर. जी रामदेव जी का वो दिखाया गया आपके शो में. अब आप अगर आप नाम देखेंगे तो नाम ही है स्वामी रामदेव एक संघर्ष. तो स्वामी जी ने जितने तरहों का संघर्ष जिया है वो सब आपको इस शो के माध्यम से देखने को मिलेगा. जो कांग्रेस के साथ उनके रिलेशन थे वो भी, ये मैं कैसे कह सकता हूँ ये तो. अरे नहीं नहीं, ये सवाल सिर्फ शो के माध्यम से है, इसको आप राजनीतिकरण इसका ना करें तो बेहतर होगा, क्योंकि मैं एक एक्टर हूँ, एक कलाकार हूँ, और कलाकार जो है वो अपनी कला दिखा सकता है. बाकी वो बाकी चीज़ें राजनीति क्या है और उसके पीछे क्या है, कहानी के बारे में आप जानना चाहेंगे तो हमारे राइटर वहाँ बैठे हुए हैं, प्रोड्यूसर है वहाँ पर, उनसे आप पूछ सकते हैं. थैंक यू सो मच, धन्यवाद धन्यवाद. Thank you.
थैंक यू सो मच, आप सबका शुक्रिया और आपको भी थैंक यू वेरी मच. प्लीज जाने से पहले हैव फूड. एक बार जरा राजेश सर, एक बार फोटोग्राफ्स के लिए आ जाएं. We heard also that you're taking a like your father is also like helping you. Yeah, he did. Tell us something about it. Well, you see, my father, he comes from a from the pre-partition era, and in his days, school mein jo hai Hindi nahi padhaya jaya karti thi, Urdu padte the, and plus he also knows Farsi and Persian. So when it came to this role, I did consult him for certain words, certain tones to be used. In fact, lehza hota hai jab ye afghani urdu mein baat karte hain, hindi mein baat karte hain, unka apna ek lehza hota hai baat karne ka, to wo maine thoda bahut inse I picked it up, so he helped me a lot. Yeah, that way. Television mein bahut time baad aapne comment kiya hai, kya reason raha hai television se? Ji, jaisa ki aapne dekha, jo bhi yahan ke jo CEOs hain aur jo content ke heads hain, inhone ek baat saaf si zahir ki ki कहीं ना कहीं इनकी एक ऐसी कोशिश है कि कुछ ऐसा बनाएं जो चल रहा है उसको थोड़ा ब्रेक कर दे और अपने ही ढंग से हर चीज़ को कहें. एंड आई वाज लुकिंग फॉर अ सिचुएशन लाइक दैट बिकॉज द ऑफर्स दैट आई वाज गेटिंग इन टेलीविजन वर प्राइमरीली ऑफ द सेम डेली सोप काइंड ऑफ थिंग्स, जो कि मुझे उसमें कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन उसमें एक एक्टर के लिए उतना स्कोप होता नहीं है, बचता नहीं है. तो इसी वजह से जब ये शो मेरे पास आया तो मुझे ऐसा लगा, मुझे थोड़ा ताज्जुब भी हुआ कि पहली बार टेलीविज़न पे कोई ऐसा अटेम्प्ट कर रहा है, इतनी बढ़िया चीज़ बनाने की कोशिश कर रहा है. तो आई सेड यस विदाउट इवन थिंकिंग अबाउट इट. फर्स्टली व्हाट आई लव्ड अबाउट द कैरेक्टर इज दैट कि इस कैरेक्टर के ऊपर इन लोगों ने पहले से ही इतनी रिसर्च करके रखी हुई थी, और इस कैरेक्टर के मैनरिज्म्स जो ये बोलता है, इसके डायलॉग्स, तो मेरे लिए आधी चीज़ें तो वहीं आसान होंगी. और दूसरी चीज़ ये कि इज अ ट्राइबल माउंटेन पश्तून मैन, अफगानिस्तान का है, तो ऐसा कैरेक्टर करने को कभी मौका आता है, जो फिल्में आती हैं या टेलीविज़न सीरियल्स आते हैं, ऐसा रोल कभी मिलता नहीं है. तो बड़ा चैलेंजिंग लगा मुझे कि ये पहाड़ी आदमी है, अफगानिस्तान में रहता है और घोड़े चलाता है, और उस ज़माने की कहानी है जब टेलीफोन नहीं था, कुछ नहीं था, सिर्फ घोड़े थे, और उसको घोड़ों से प्यार है, और तलवारबाजी करता है, और बस कशी जो कि एक अफगानी स्पोर्ट है जो खेलते हैं वहाँ पर, वो है, तो एक अलग ही कल्चर. तो मुझे डेफिनेटली एज एन एक्टर बहुत एक्साइटिंग लगा. कौन सी चीज़ें आपको सीखने मिले इस? घुड़सवारी जो मेरे को आती थी पहले थोड़ी बहुत, लेकिन इसमें मुझे करते करते थोड़ी सी और उसमें हाथ पक्का हो गया. तलवारबाजी नंबर दो, कुश्ती और बसकशी. द यू एस पी ऑफ द शो इज कि इट्स वेरी रियल. वाकई में आपको एक जंग देखने को मिलेगी. ये वो वाली कहानी नहीं है कि एक तरफ जंग हो रहा है और वहाँ पर हीरो और हीरोइन रोमांस कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है. इसमें वाकई आपको जंग देखने को मिलेगा, और जंग में जो जवानों के साथ होता है, जो सोल्जर्स के साथ होता है, जंग कैसे लड़ी जाती है, स्ट्रैटेजीज वगैरह, वो सब वेरी ऑथेंटिक. I am not a soldier in this. I am playing a tribal Afghan. So this guy is a wild guy. मतलब ये और तम्बुओं में रहता है, टेंट में रहता है ये, इसके बाल बिखरे हुए रहते हैं, पगड़ी भी पहनता तो पहनी है बस, बांधी नहीं है, वो ऐसी लपेट ली है सर पे.
और ऐसे लोग जो होते हैं नोमैड्स होते हैं, दर बदर एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं वो अपने घोड़ों में अपने काफिलों में, तो इससे मेरे लिए अच्छा था, मुझे शेव नहीं करनी पड़ी, बाल नहीं कटाने पड़े। थैंक यू सो मच, आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक्स अ लॉट। कितना मज़ा आ रहा है काम करके, और प्रोमो हमने देखा काफ़ी अच्छा लगा, और आप हिप हॉप के जो रैप गाने हैं लाइक बहुत अच्छा था, थोड़ा सुना के भी बताइएगा अपने। मैं एक्चुअल असली रैपर तो ये है। हाँ, मुझे लगता है कि एक थोड़ी सी इनको हमारी पहचान दिखाई दे। ओह, बीट बीट पे नहीं हो पाएगा, ठीक है अपनी बीट हम खुद सेट करते हैं। तो ये गाना है, मतलब जो मेरे कैरेक्टर का पहला गाना है शो में, मैं गाऊंगा, मैं रैपर नहीं हूँ असल लाइफ में, तो प्लीज़ एक्सक्यूज मी, मुझे गाने याद हुए बिकॉज लिपसिंग करना होता है और रैप को लिपसिंग करना सबसे ज़्यादा मुश्किल है क्योंकि वो बहुत तेज़ होता है, तो मैं पहले से बता रहा हूँ, मैं जस्टिफिकेशन दे रहा हूँ। तो गाना कुछ ऐसा शुरू होता है, लो आ गया लफंगा जैसे उड़ता पतंगा, बकर बकर करता आवारा मुझ डंडा, वैसे तो हूँ मैं एक शरीफ थोड़ा कमीना भी, माचो हूँ मैं, मैनू समझना लेना चूहा, मादा मैं लाडला पापा का मैं कंजर, फंसी है पटोला जिसका मैं हूँ वो पतंदर, ठंड दिमाग वाला ना आवारा कोई सांड, पंगेबाजी करता कोई उसका कर दू कांड। ये है मेरी पहचान। सो हाँ, ये टू आंसर योर क्वेश्चन, ये एक बहुत ही मज़ेदार शो है, तो इसमें बहुत सारा ड्रामा है, ये म्यूजिकल ड्रामा शो है जिसमें तीन रैपर्स की कहानी आपको दिखेगी, तो सिर्फ उनके रैप करियर की कहानी नहीं, सिर्फ उनके हिप हॉप करियर की कहानी नहीं, पर उनकी पारिवारिक कहानी, उनकी इंटरपर्सनल लाइफ, वो स्टार्स बनने के पहले क्या थे, स्टार्स बनकर क्या होते हैं, वो तीनों एक दूसरे से कितना प्यार या नफरत करते हैं, ये सारी, तो इट्स एक्चुअली अ वेरी इट्स अ फैमिली एंटरटेनर, इट्स suits the GC that Discovery Jeet is. इसमें बहुत ज़्यादा realism है, पर at the same time आपको ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ youth को appeal करेगा, ये पूरे परिवार को appeal करेगा, क्योंकि इसमें drama भरपूर है, और पहले episode से, इनफैक्ट हम जब इसके स्क्रीन प्ले को पढ़ते भी हैं तो ये पहले एपिसोड से स्टोरी इतनी फास्ट आगे जाती है कि आपको पूरी तरह से हुक रखेगी ये। आप सीरियल की बात करें जी, हमने प्रोमो देखा काफी इंटरेस्टिंग और काफी मस्ती हो रही है जी, तो शूट में भी इतनी मस्ती होती है? हरलीन बताइए, सच बताइए। शूट पे तो हमने बहुत ज्यादा मस्ती की, लाइक यू कैन सी देयर इज अ लॉट ऑफ फ्रेंडशिप हियर, एंड आवर डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर, दीस गाइस आर वेरी वेरी स्वीट, द टीम वाज वेरी वेरी स्वीट, एंड हाँ एज एक्टर्स तो हम बहुत मस्ती करते थे, हमने लूडो खेली है, हमने साइक खेला है, हमने बहुत सारी गेम्स खेली है, ये पता नहीं कहाँ खेला, हमें तो कुछ नहीं खिलाया, हम तो यही करते हमारे डायरेक्टर, यस ऐसा कुछ नहीं, हमें मस्ती, नहीं नहीं मैंने बिल्कुल, ये लूडो खेलने वाली बात पहली बार मुझे पत्रकारों के सामने पता चली है, ये कल से लूडो निकल जाएगा सबसे, नहीं ये बहुत ही टफ रहा हमारे लिए क्योंकि इसमें 20 ओरिजिनल गाने हैं, तो ये 20 ओरिजिनल गाने शूट करना बहुत डिफिकल्ट होता है, ऑफकोर्स टी वी हैपन्स एट अ मच फास्टर पेस, वी कम फ्रॉम द डिजिटल एंड फिल्म्स बैकग्राउंड, सो टीवी इज फार सुपीरियर इन टर्म्स ऑफ द स्ट्रेसेस दैट देयर आर, तो हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था, ये तीनों एक्टर्स आपके सामने जो हैं, ये तीनों बहुत ही ब्रिलियंट एक्टर्स भी हैं, बट एट द सेम टाइम टू डू व्हाट रैपर्स डू, और हमारे में एक रैपर है, एक डांसर है रियल लाइफ में, और मैं और अमोल बहुत अच्छे एक्टर्स हैं तो पर उनके लिए ये तीनों चीज़ों को कंबाइन करना, और हर दूसरे एपिसोड में आपको एक नया गाना मिलेगा, 20 गाने शायद ही किसी फिल्म में भी होते होंगे, तो एक सीजन में आपको बहुत ही ओरिजिनल 20 गाने सुनने मिलेंगे, तो ये बहुत ही चैलेंजिंग शो था हमारे लिए, पर मज़ा हमने भरपूर किया क्योंकि आप जैसे देख रहे हैं कि यूथ शो ही नहीं, यूथ टीम भी है। जी जी, हम स्टिल एंड स्टिल मीडिया कलेक्टिव मेरी कंपनी का नाम है, हम जो भी काम करते हैं उसमें कहीं ना कहीं हम मैसेज से ज़्यादा हम लोगों से कनेक्ट करना चाहते हैं, तो चाहे हमने जब पप्पू एंड पापा बनाया सेक्स एजुकेशन पे, चाहे हमने हमारे जो जितने भी शोज आपने देखे होंगे उन सब में ना रियलिज्म कूट कूट के होता है, इसके लिए हमारे लिए डिस्कवरी जीत के साथ भी पार्टिसिपेट करना, उनके साथ एक शो बनाना बहुत ही ज़्यादा एक सिनर्जी थी, और ऐसा टैलेंट हमारे साथ खड़े हैं आपके ठीक पीछे, एक बाउंसर जैसे दिखने वाले जो किसी का भी मुंह अपने हाथों से तोड़ सकते हैं, ऐसे अर्ल, अर्ल जो हमारे, आइए ना अर्ल सर, अर्ल हमारे म्यूजिक डायरेक्टर हैं, इन्होंने सारा म्यूजिक दिया है, 20 वो दर्शाना, बट एट द सेम टाइम ये सिर्फ हिप हॉप लवर्स के लिए शो नहीं है, ये पारिवारिक शो है, ये हर किसी को कनेक्ट करेगा, और ये अंडरडॉग स्टोरी इन तीनों की है, और सबसे ज्यादा इसमें अंडरडॉग मैं और अर्ल है। उस सिचुएशन में चाहे वो कोई बड़ा स्टार भी हो या कोई छोटा आदमी भी हो, जब एक सिचुएशन में आता है तो उसके इमोशन तो ह्यूमन ही होते हैं,
तो आई थिंक इवेंचुअली जो इमोशंस हैं वो रियल हैं, वो असली हैं, तो उससे रिलेट करना किसी के लिए पॉसिबल है. तो ऐसा नहीं है कि किसी को रैपर ही होना पड़ेगा या हिप हॉप जानना पड़ेगा उस इमोशन को समझने के लिए. तो आई थिंक विच इज़ वाई लाइक ही सेड कि इसीलिए वो सबके लिए शो है. तो कहानी इन लोगों के बारे में जो इस प्रोफेशन में है, लेकिन उसके इमोशंस तो इंसान ही है, मतलब रैपर भी है. तो रैप मुझे कितना अब मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आने लगा है, क्योंकि पिछले 6 महीने से ना मैं सिर्फ गा रहा हूँ, मैं सुन रहा हूँ. मैं शूट पे जाते हुए गाड़ी में सुनता हूँ, रात में सोने से पहले एक दो सुन लेता हूँ. तो क्योंकि आई थिंक उस वाइब को इम्बाइब करना भी एक आई थिंक एज एन एक्टर आप करना चाहते हो जितना पॉसिबल है, जितना टाइम अलाउ करता है, जितनी आपकी एनर्जी अलाउ करती है. क्योंकि और उसको असली रैपर से मुकाबला है, तो थोड़ा लगता है कि नहीं यार थोड़ा तो होना चाहिए. सो ये अब मैं काफ़ी ज़्यादा सुनने लगा हूँ, और शो के लिए भी मैंने काफ़ी ज़्यादा सुना, जो मुझे सुनने के बाद रियलाइज़ हुआ कि बहुत सारा रैप है अभी हमारे देश में. दिल्ली में लड़के हैं जो रैप करते हैं, लड़के लड़कियां भोपाल, इंदौर, चंडीगढ़, जिनके बारे में अभी हम जानते भी नहीं हैं, और वो बहुत ख़तरनाक रैप कर रहे हैं. और वो थ्रू यूट्यूब, थ्रू ऑनलाइन मीडियम्स मुझे देखने को मिला. मतलब इतना सारा है अभी जो पूछने के लिए बैठा है, तैयार बैठा है. होपफुली गबरू के साथ हम बहुत सारा फूटेंगे, बहुत सारा फूटेंगे. और आई थिंक वो लोग भी इससे रिलेट करेंगे, बिकॉज वो लोग वही है, ये इन्हीं की कहानी है शायद. I think actually, I feel very proud that we are the flag bearers to this kind of hip hop culture coming in front of the youth. Absolutely. And there's so much like it, there's so many youth out there bubbling to kind of come out and rap. So even, it's very interesting. Yeah, even jab I was coming up with the concepts jo gana matlab jo gana humko chahiye, I was struggling with singers. Or like you said, through YouTube itne sare singers, itne sare rappers hai, and unke cultures, unke alag alag textures, styling, sab kuch janne ko matlab information mila. And that's how I started coming up with these ideas, and you know ki what kind of songs should be out there. And तो बहुत ही एक अच्छा कॉम्बिनेशन है बिटवीन बीइंग वेरी स्पेसिफिक टू द वर्ल्ड दैट इट इज़ टॉकिंग अबाउट, एट द सेम टाइम ये बहुत ही यूनिवर्सल कहानी है. एग्जैक्टली. तो ये हर किसी को, जिसको भी पैदा होकर हम जब बढ़ते हैं तो हमारे मम्मी पापा के सबके एस्पिरेशन होते हैं. हम सारे आर्टिस्ट हैं, हमारे मम्मी पापा के एस्पिरेशन बिल्कुल नहीं थे कि हम आर्टिस्ट बने, तभी हम आपके सामने यहाँ हैं. ये फैक्ट है. और यही स्टोरी आपको हर किसी के जर्नी में मिलेगी, और यही ये तीन हिप हॉप आर्टिस्ट की कहानियाँ भी है. थैंक यू सो मच. देखिए, बाबा रामदेव जी का जो शो का नाम है स्वामी रामदेव एक संघर्ष, ये भी एक संघर्ष है हमारा कि मैं उनके विचारों को, मैं उनकी जो सोच है जो हमारे देश के प्रति, हमारे युवाओं के प्रति है, मैं अपने माध्यम से उनकी बातों को आपके सामने तक, जितने भी लोग मुझे देखेंगे उन तक पहुंचा सकूं, तो बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी का एहसास होता है. और आप सबकी शुभकामनाएँ चाहिए, बड़ों का आशीर्वाद चाहिए कि हम निभा सकें इसको बहुत अच्छे से. सबसे पहले तो फिर से एक बार हम ये पुनः बताना चाहेंगे कि इसे योगा नहीं कहते हैं, इसे योग कहते हैं. योग कहते हैं क्योंकि योगा वो बाहर वालों ने हमें दिया है, और हम अपनी जड़ें भूल चुके हैं, तभी योग भूल के हम योगा पे चले जा चुके हैं. तो वापस फिर से स्वामी जी की भी एक बात है कि आप योगा ना करें, आप योग करें. और योग ही एक माध्यम है, स्वामी जी की बात है कि योग ही एक माध्यम है जो पूरे देश को, पूरे आवाम को स्वास्थ्य और सौभाग्य का मार्ग दिखाएगा. जब मैं उनसे मिला था तो वो वन ऑन वन मुलाकात थी, वो बहुत सारी जनता के सामने मैं उनसे मिल नहीं पाया था क्योंकि वहाँ पे शिविर नहीं हो रहा था उस टाइम पे. पर उनसे मिलने के बाद वो 3 दिन मुझे बहुत ही मेरे जीवन के महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि अपने पिताजी के बाद मैं किसी इंसान से मिला था जो मुझे इतना प्रेरित कर सकता है, वो स्वामी जी थे, और उनके विचारों से हम बड़े ही प्रभावित हुए. तो फिर से अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानते हैं कि मुझे काम करने का अवसर मिला है. और स्वामी जी से जब मिले थे तो उन्होंने मेरी परीक्षा ली. एक विचारों की परीक्षा होती है कि मैं उनके विचारों से कितना सहमत हूँ, मैं कितना ताल्लुक़ रखता हूँ, और कितने विचारों को मैं जानता हूँ. दूसरी परीक्षा थी योग की, जो मैं कितना योग कर सकता हूँ. तो विचारों की परीक्षा में मुझे 6.5 अंक मिले थे, और योग की परीक्षा में मुझे तकरीबन 7.5-8 अंक मिले थे. तो मैं पास हूँ तभी मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ. जी जब मैं उनसे मिला था तो हाँ बिल्कुल नहीं, वो बिज़नेस एक तरह से वो देश के लिए ही है क्योंकि स्वदेशी है.
आप कहीं भी देखें तो किसी भी प्रोडक्ट में आपको मेड इन इंडिया बहुत कम दिखता है, या भारत में निर्मित, मेड इन इंडिया दिखेगा पर भारत में निर्मित ये बहुत कम दिखता है। तो और स्वामी जी की दिनचर्या जहाँ तक देखें तो मैं एक दिन मुझे उनसे मिलना था तकरीबन 6:30 बजे सुबह, और वो हरिद्वार में ठंड आप जानते हैं एक महीने पहले कितनी होती है, कोहरा बिल्कुल कुछ दिखता नहीं था यहाँ से 1 मीटर भी। तो जब मैं वहाँ पहुँचा उनके घर पर उनके आवास पर, तो मैंने देखा वो भाग रहे हैं, वो जॉगिंग कर रहे थे, अपनी योग की तैयारी कर रहे थे। तो उन्होंने मुझे देखा, उन्होंने मुझे भी बुला लिया, और फिर उनके साथ मैं भी भागा, मैंने भी उनके साथ योग किया जितना मुझसे संभव था। और उसके बाद हमारी तकरीबन 7 से 8 घंटे एक वन ऑन वन मीटिंग हुई और बहुत सारी बातें हुई। अब इतना वक्त शायद आप लोग देंगे नहीं कि मैं आपको बता सकूं, उसके लिए बाकी के लिए आप शो देखें स्वामी रामदेव एक संघर्ष 12 फरवरी से डिस्कवरी चैनल जीत पर। थैंक यू, I believe I'm the complete opposite of Bear Grylls, and he's more serious, and he has so many things going on, and he's killing this animal and eating this whatever it is he eats. And then I am the complete opposite and added my commentary in between. Did you experience all those things? No, maine sirf dekha tha. So I've experienced bugs flying into my face. Or around me, but I'm not eating them, and I don't want to kill them, and I just want to stay away from them. Did you feel pressure because it's a new channel? Like we have to, there are lots of television shows. I don't think that it's so much so pressure. I think when you're dealing with Discovery and the massive level that Discovery is at worldwide, not just here in India, that it's not so much about the pressure of how one show is going to do. I think that the content that they've created is absolutely amazing, and the platform in which they're launching it is huge. So I don't think that there's really much of that pressure of how one show is going to do. What is that one film for you? Other question, like, you know, it was both him on his style, the test play. Is that a thing? I think that it's kind of going into that is always a lot of fun, and I wish all the good luck, and I hope that they're still sane when they walk out. But when you went inside the house, do you have who will be going to be Hina, Shilpa? Oh, you guys, this is about Discovery today. Let's talk about that. Sunny, have you seen Man vs. Wife before also? Yes, I have. I think that it takes a very special type of person to do what Bear Grylls does. I definitely don't have that in me at all. On this show, I played with a lot of fake animals and insects, and I'm sure you've seen my Instagram, so a couple of those things are from that set. So it's really exciting to be a part of a show where I'm like that. Last year, your many people in a group attacked. Bye guys! Thanks for that guy right there, as we can see. My show is called Mere Papa Hero Hira Lal. It's a beautiful emotional journey of a single father who is an auto driver. तो मुझे लगता है कि जो लोग underprivileged हैं in the sense of monetarily, तो वो सब इस show के साथ relate कर पाएंगे. जो मेरा किरदार है उसकी ज़िंदगी में success का सिर्फ एक ही motive है, या आप कह सकते success उसके लिए अपनी बेटी को खुश रखना है, उसकी life को fairy tale बनाना है. एक गरीब आदमी कैसे अपनी बेटी की ज़िंदगी को फेरी टेल बनाता है, उसकी कहानी है मेरी. एंड आई थिंक एवरी एपिसोड, एवरी सीन इज़ अ वेरी इमोशनल सीन. सो जितने भी लोग जो एक पेरेंट हैं, वेदर सिंगल और नॉर्मल पेरेंट्स, सो दे ऑल विल बी एबल टू रिलेट टू दिस. जैसे कि कहानी ऑटो ड्राइवर की है जो अपने बच्चे को लेके पूरा राइड करता है, तो आप उनसे मिले या फिर कुछ बात की? नहीं, अभी तक मिलना नहीं हुआ. मैंने भी कहानी पेपर में ही पढ़ी थी. And even then I was wanting to, you know, make an effort to help the person who was in need. And fortunately a few months later I am doing the same part. So बस जब ये शो करते हुए मुझे लगा और महसूस हुआ कि एक गरीब आदमी की ज़िंदगी इज़ नॉट अबाउट हाउ मच मनी यू मेक और हाउ मच वॉट यू नो लग्जरीज यू हैव इन लाइफ. इट्स ऑल अबाउट हाउ टू लिव एवरी डे विद अ स्माइल. सो it's very real. It's not I feel it's very very jaise aap regular life mein auto driver dekhte ho ya ek regular life mein ek gareeb aadmi ka ghar dekhte ho, humne sab kuch waise hi bahut real karne ki koshish ki hai. And kahin na kahin ye bahut realistic hai. To aap
कनेक्ट कर पाओगे. इट्स नॉट लाइक द सेम ओल्ड रेगुलरशिप शोज जो हमारे टेलीविजन चैनल पे बन रहे हैं कि पहले में मंग यू नो हर बार पहन के सो रही है लड़कियाँ. इट्स अ वेरी रियल शो, वेरी रियल कॉस्ट्यूम्स, ड्रामा, इमोशन, एवरीथिंग इज क्वाइट. ऐसी बहुत सी चीज़ें होती है जो एक पर्सन जब सीखते टाइम बहुत कुछ सीखते हैं, तो आपने क्या सीखा अपने लाइफ में? जो लोअर मिडिल क्लास को ज़्यादा रिस्पेक्ट देना सीखा है मैंने. मुझे लगता है कि हर बंदा अपनी ज़िंदगी में उतनी ही मुश्किलों से जूझ रहा है जितना हम जूझ रहे हैं. तो हमें लगता है कि हम अगर हमारे लिए कोई काम कर रहा है तो वो हमारा नौकर है. अगर वो सिर्फ नौकरी नहीं कर रहा, वो अपनी ज़िंदगी से भी लड़ाई कर रहा है. तो आई स्टार्टेड फीलिंग मोर एम्पथी एंड मोर लव फॉर सच पीपल. एनीबडी हु इज़ वर्किंग एंड ट्राइंग टू मेक हिज एंड मीट इज़ अ हीरो फॉर मी. सो दैट्स व्हाट हीरो हीरा लाल इज़ ऑल अबाउट. He's playing my father, Hiralal Tiwari. This story is based on a father and a daughter's bonding, and I love this story's concept. I have done movies like Mob, Haseena Parker, and I have done Tamanna Bhatia's Childhood and Best Friends Hollywood movie. Okay, jaisa experience tha, how was your working and all with your co-star? Amazing. Yeah? Pakka? What did you like the most about your father? In the show, I like. What do you like? About Hiralal Tiwari. That. He pampers you? He pampers me, he makes me sleep with a beautiful lori. Okay, so I sing a lori for her every day to put her to sleep because she's so naughty that I can't bear it anymore and want her to sleep. So I sing a lori for her and she passes off. Hai na? Thank you. Thank you guys. Thank you. Do watch our show. Free. Please do watch our show. Okay. Let us say it alone. Please watch our show. Mere Papa Hero Hiralal on Discovery G. Thank you. 8 p.m. Thank you. Sab promo ki baat ki jaye to kafi pasand aaya hai sabhi ko. To aapse janna chahenge kya hai aapke show ki storyline aur kitna enjoy kiya aapne abhi tak show. जी बहुत एंजॉय किया मैंने शो को. 21 सरफरोश बैटल ऑफ सारागिरी 1897 ये जो शो है ये मेरे दिल के ये कहानी मेरे दिल के बहुत करीब है. मुझे हमेशा से अंडरडॉग जो होते हैं उनकी कहानियाँ बहुत पसंद आती हैं. सो ये कहानी एक ऐसे हवलदार की है, हवलदार ईश्वर सिंह, जिन्होंने अपने 20 साथियों के साथ मिलकर अनगिनत इन्यूमरेबल लोगों के साथ फाइट की, जो उनको जिम्मेदारी दी गई थी एक पोस्ट को संभालने की, उसे पूरा करने की, वो उन्होंने की. सो दिस इज़ अ स्टोरी अबाउट करेज, फियर, स्ट्रेंथ, पावर, वीकनेस. इट्स ऑल टुगेदर अ वेरी ब्यूटिफुल जर्नी, हाउ 21 पीपल कम टुगेदर एंड दे यूनाइट टू सेव द नेशन. जी बिल्कुल त्रिशूल था पहले, फिर तलवार हुई, अब गन है. सो बस अब आगे देखते हैं क्या होता है. बट ये ग्राफ काफ़ी अच्छा रहा है, मॉडर्नाइजेशन के करीब लेके आया है मेरे को, अडेप्टेशन के करीब लेके आया है. सब लोगों ने बहुत पसंद किया है. सो आई गेस नेक्स्ट टाइम में भी एक गुलाब का फूल या एक लड़की का हाथ, ऐसा कुछ. लेट्स सी. सी हमारे पास इसमें चैलेंजिंग बात ये थी कि हमारे पास कुछ विजुअल रेफरेंस नहीं था. सो बिकॉज इस पर कुछ बना नहीं आज तक, तो आपके पास विजुअल रेफरेंस कुछ भी नहीं था इसके लिए. सो जब मुझे पता चला कि मुझे इस किरदार को निभाना है, सो सबसे पहले आई न्यू दैट ओके आई नीड टू ग्रो माई बियर्ड, आई नीड टू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ द कैरेक्टर. मुझे पंजाबी एक्सेंट थोड़ा सीखना पड़ा, मुझे उस टोन को अडेप्ट करना पड़ा, मुझे अपनी लुक पे काम करना पड़ा, मुझे थोड़ा मचोर दिखने के लिए वेट पुट ऑन करना पड़ा, मुझे एक लीडरशिप क्वालिटीज़ को कैसे आप निभाएं ऑन कैमरा वो सीखना पड़ा. सो देयर वाज़ लॉट ऑफ हार्ड वर्क, देयर वाज़ लॉट ऑफ दैट वेंट इनटू इट. बट व्हेन आई लुक बैक आई रियली फील हैप्पी दैट पीपल हैव रियली लुक लाइक द फर्स्ट लुक एंड दे हैव लव्ड इट. या जी जी इसमें बहुत 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 सारे मेरे पसंदीदा डायलॉग्स हैं. उनमें से मेरा एक पसंदीदा डायलॉग
अपने दोस्त के साथ हुआ है व्हेन इट्स अ ब्यूटीफुल सीन वेयर वन ऑफ द सोल्जर्स लूजेस हिज लाइफ यू नो मार्टिरडम मिलता है उनको सो कैसे हमारे जो 20 लोग होते हैं 21 लोग होते हैं वो बहुत दुखी और निराश होते हैं सो देयर इज अ लाइन वेयर देयर आई एक्सप्रेस टेल माय कलीग दैट हम उसकी कब्र तो खोद रहे हैं बट ये कब्र वही कब्र है जो उसने खुद चुनी थी सो जो फौजी होता है उसकी अपनी ज़मीन जो होती है वही उसकी माँ होती है और वो अपनी माँ की गोद में ही बैठने जा रहा है तो वो वहीं से निकला था और वहीं बैठने जा रहा था सो दैट इज़ समथिंग दैट आई क्वाइट बिलीव इन एंड आई लाइक दैट लाइन जी मैं क्योंकि जम्मू में केंद्रीय विद्यालय में पढ़ा हूँ सो मेरा काफ़ी आर्मी लोगों से मेरा उठना बैठना काफ़ी आर्मी के बच्चे दोस्त थे मेरे काफ़ी आर्मी स्कूल्स में काफ़ी मैं घिरा हुआ करता था सो आई ऑलवेज हैड लॉट ऑफ डिफरेंट स्टोरीज जो मैंने बचपन से ही सुनी हुई थी But during the research of this show, I met so many officers, so many retired army men, जिन्होंने मुझे उनकी ज़िंदगी के struggles और उनके incidents के बारे में बताया जिसके बाद army वालों के लिए मेरी respect और उनके लिए मेरी जो respect है और जो मेरे लिए उनके लिए जो मेरी सोच है वो बहुत completely it has taken it to a level where just there are no limits so I think our country is also going through a phase hamara jo pura desh hai wo ek aise changing phase ki aur ja raha hai jahan pe hamare bahut zarurat hai ki hum apne jo desh ke jo defense services hai unki izzat kare unka dhyan de unke prati hamari bahut 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 hamari zimmedari hai aur hum use pura kare coming with the show jaise humne aapko bade bade shows mein dekha hai and coming with the new show and new channel सी टी आर पी इज समथिंग दैट इज़ नॉट ऑब्वियसली इन माई कंट्रोल बट मैं हमेशा कोशिश करता हूँ ना ही कोई प्लेटफॉर्म मेरे कंट्रोल में होता है ना मैं ये सोचता हूँ कि कैसे वो दिया जाएगा बट ऑब्वियसली आई फील कि मैं किरदार और कहानी की तरफ अट्रैक्ट होता हूँ प्लेटफॉर्म इज समथिंग इट्स विच कम्स वेरी सेकेंडरी जो बहुत बाद की बात होती है ये कभी ये ऐसा थॉट नहीं था कि नया चैनल है या पुराना चैनल है या कितनी चैनल की GRP है आई न्यू देयर इज अ शो बीइंग मेड ऑन द स्टोरी विच हैज नेवर बीन टोल्ड एंड आई हैड टू बी पार्ट ऑफ द स्टोरी सो आई एम रियली थैंकफुल एंड ऑनर टू बी पार्ट ऑफ द स्टोरी नहीं बिल्कुल ऐसा मोनिका तो मुझे मालूम नहीं मैं तो नहीं डेफिनेटली नहीं करने जा रहा हूँ और 2018 जो है वो मेरे लिए बिल्कुल 36 रेजिमेंट को डिवोटेड है सो मैं सरदारों के बीच में रहता हूँ आर्मी लोगों के बीच रहता हूँ उन्हीं के साथ खाता हूँ पीता हूँ एंड मक्खन खाता हूँ देसी रोटी खाता हूँ थैंक यू सो मच थैंक यू मच थैंक यू